मुहतर मेरी विधा हास्य व्यंग है कि कवि सम्मेलन के संयोजक के लिए एक समस्या पैदा हो गई। आमंत्रित कवियों से स्थानीय कवियों की संख्या ज्यादा हो गई। मुझे बुलाया गया। समस्या के विषय में बताया गया कि कल के कवि सम्मेलन के लिए केवल एक कवि को छांटना है। मैंने देखा कि अध्यापक, वकील, डॉक्टर, न जाने कितने ही कवियों का अंबार लगा है। कवि सम्मेलन नहीं बल्कि मछली बाजार लगा है। मैंने उन्हीं में से सुंदर कवित्री को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि इन पर जो सबसे सुंदर कविता बनाएगा कल के कवि सम्मेलन में स्थान पाएगा। अब देखिए, सोचने का तरीका हर आदमी का अलग है कि सबसे पहले किसान कवि आता है, सुंदरी पर कविता बनाता है, खाना खाती ही नहीं हो या खाना खाना मना है, और उसके बिंब देखेगा कि खाना खाती ही नहीं हो या खाना खाना मना है, अरे हाथ पांव इतने दुबले जैसे गन्ने का तना है, हाथ पांव इतने दुबले जैसे गन्ने का तना है, आंखें पथराई हुई, त्वचा में कमजोरी के पसीने की नमी है, अरे तुम में तो फॉस्फोरस फॉस्फेट एनपीके न जाने किस किस चीज की कमी है। मैंने कहा कविराज, ये सुंदरी है, इस पर कविता बनाना है, फसल नहीं है। कि तभी एक वकील कवि आता है, सुंदरी पर कविता बनाता है कि किसी खून के मुकदमे की तरह फड़फड़ाते तेरे होंठ, कि किसी खून के मुकदमे की तरह फड़फड़ाते तेरे होंठ, और मुवक्किल की खाली की गई जेब की गहराई ली तेरी आंखें, और मुवक्किल की खाली की गई जेब की गहराई ली तेरी आंखें, और कचहरी के प्रांगण में घूमते हुए असंख्य वकीलों के काले कोठों से मंडराते तेरे बाल, बाल यानी केस दफा 302 और 307 का लगेगा। मिलोट ये लड़की इन आंखों से फिर कविता संपादित कर रहा हूँ कि तभी एक ट्रैफिक पुलिस का कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है कि आप आती हैं तो दिल की लाल बत्ती जल जाती है, आशाओं उमंगों के तमाम वाहन खड़े हो जाते हैं, दिल भरा भरा हो जाता है, आप जाती हैं तो हृदय की हरी बत्ती खिल जाती है, आशाओं उमंगों के सारे वाहन चले जाते हैं, कुल मिलाकर तुम में सुंदरता है, तुम में ब्यूटी है, यहाँ कैसे खड़ी हो प्रिय, यहाँ तो मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा पुलिस जी बैठ जाइए। बोले तो आपके बालों में क्या शाइनिंग है, आपके कपड़ों की क्या वॉशिंग है, और पलकें आपकी ऐसी जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। मैंने कहा पुलिस जी बैठ जाइए कि तभी एक डॉक्टर कभी आता है, सुंदरी पर कविता बनाता है कि माइक्रोक्रोम की तरह लाली लिए तेरे होंठ, स्टरलाइज्ड कॉटन की तरह सफेदी लिए तेरे दांत, और कैल्शियम की बहुत बड़ी बड़ी गोलियों से तेरी आंखें, ये आंखें हैं कि इन आंखों से आंखें कहीं और टिकती ही नहीं, लेकिन दीवार में लिखी हुई ABCD तुम्हें दिखती है ना। मैंने कहा आई टेस्ट नहीं सर, कविता सुनाइए। बोले तेरी इस रूप राशि की सुई ने मेरे हृदय के तमाम जख्मों को सी लिया है, मगर नाखून तो दिखाओ प्रिय, तुम्हें तो पी लिया है, मगर नाखून तो दिखाओ प्रिय, तुम्हें तो पी लिया है, तेरी इस रूप राशि की सुई ने सुई से दिल में एक टीस सी जगती है, तेरी इस रूप राशि को देखकर दिल में एक टीस सी जगती है, जाती हो तो जाओ 100 रुपए दे के जाओ, इतनी तो मेरी कंसल्टेशन फीस से लगती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठ जाइए कि तभी एक अध्यापक कभी आता है, बहुत सारे अध्यापक हैं, सुंदरी पे कविता बनाने में शर्माता है। मैंने कहा गुरुजी अगर कल के कवि सम्मेलन में स्थान पाना है तो सुंदरी पे कविता तो बनाना है। बोले तुम्हें यहाँ यू न खड़ा रहना चाहिए, अरे इम्तहान है तो घर में पढ़ना चाहिए। मैंने कहा उपदेश नहीं, कविता, और वो भी सुंदरी पर। बोले गंगा यमुना कृष्णा कावेरी की मौजों के तरह बलखाते तेरे केस, और फिर टीचिंग पे आ गए। बोले गंगा यमुना कृष्णा कावेरी की मौजों की तरह बलखाते तेरे केस, और होठों पर सूर्योदय के क्षितिज की तरह लाली है। फिर टीचिंग में आ गए, और होठों पर सूर्योदय के क्षितिज की तरह लाली है, मगर यहाँ कैसे खड़ी हो बेटी, कोई पीरियड खाली है। मैंने कहा गुरुजी फिर उपदेश। बोले कि बोले तेरी इस रूप राशि और प्रकृति की सुंदरता के बीच, बोले तेरी इस रूप राशि को अध्यापक कभी क्या बखानता है, तेरी रूप राशि और सुंदरता प्रकृति के बीच
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के से समानता है, तभी उस भीड़ को देखकर न जाने कहां से गुर्रा चला आता है और दूर से ही गुर्राता है कि कहते तो हो कि सभ्यता और संस्कृति में हम सबसे बड़े हैं, मगर एक बिटिया को घेरे इतने लोग खड़े हैं। बोलो बेटी यहां कैसे आई हो, बोलो बेटी यहां कैसे आई हो, क्या पापी पेट की भूख से लाचार हो या उच्च शिक्षा पाने के बाद भी बेरोजगार हो, बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो, बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो, क्या दहेज के लोभी पति और ससुरालियों के सताई हो, बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो। यह समाज कितना ही भ्रष्ट कितना ही गंदा है, लेकिन तेरा बूढ़ा बाप अभी जिंदा है, मेरे घर चल बेटी मेरे घर चल। मैंने कहा बाबा आपकी बातों में ही आज के समाज की सच्ची छवि है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप ही सच्चे कवि हैं। आप ही